अपनी बच्ची को देखोगे अच्छी तरह से बैठेगा कुछ दिनों के लिए, मतलब उसका बिहेवियर भी ठीक होगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद बिहेवियर आहिस्ता आहिस्ता से ख़राब हो जाएगा, नींद अच्छी तरह से नहीं करेगा, आँखें संकल हो जाएगी और उसका चिड़चिड़ापन। खैर ये तो सिम्टम्स है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जड़ें ख़त्म करता है हमारा। हमने इंशाल्लाह आगे भी हमारा जो ये प्रोसेस है ये चलता रहेगा, ड्रग्स के खिलाफ हम काम करते चलेंगे इंशाल्लाह ताला। एक मैसेज जाना चाहिए, हम इसके बाद अनंतनाग जा रहे हैं, उसके बाद हमारा ऑफ रोडिंग एक शो है वो बाईसरम के लिए, वो इंतजाम वहाँ हमारी जो गाड़ियाँ 10-20 गाड़ियाँ हमारे साथ है वो आगे चलेगी, हम रह गए यहाँ पर। तो आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर बच्चे हमारे साथ। सर लास्ट संडे भी आपने ये प्रोग्राम किया था और इस संडे लोगों का ओवरऑल रिस्पांस कैसा रहा? लास्ट संडे हम गए थे चिरंदबल, एक वैली है शोपियां और अनंतनाग के दरमियान एक्सपोर्ट वैली है, तो वहाँ के लोगों ने भी बहुत हमें सराहा, बहुत मतलब ये अप्रिशिएट किया। और शोपियां से होते हुए हम गए थे वहाँ पर, शोपियां के लोगों ने भी बहुत इसमें ताउन किया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं पुलवामा के लोगों के, शोपियां के लोगों के, और बिलखसूस जो इंतज़ामिया उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। बस मैं इतना बोलूंगी ड्रग्स नहीं लो, बस आपने के लिए, आपने आपके लिए भी सेफ है और दूसरों के लिए भी सेफ है।